जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। तमाड़ के भूतपूर्व विधायक एवं कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस झारखंड के उपाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का वह अधिवेशन जो रायपुर में होने जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज, उस क्षेत्र से आते हैं जहां वीरों की भूमि बिरसा मुंडा का कर्म क्षेत्र स्कूली वह भूमि है। और अगर आप इसको दूसरा दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो टाटा से अगर आप रांची जाते हैं तो चांडिल चौका रांगा माटी, उसके बाद तमाड़ पड़ता है। और अगर आप रांची से टाटा आते हैं तो आपको रांची के बाद तमाड़ आता है। एक तरफ झारखंड की राजधानी रांची है और एक तरफ आर्थिक राजधानी जमशेदपुर, लेकिन दोनों के बीच में वह तमाड़ क्षेत्र आज भी रिमोट एरिया में कहा जाता है। विकास की अगर नाम लिया जाए आज भी वहाँ विकास जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ है। तमाड़ उस खूटी संसदीय क्षेत्र में आता है जहाँ के वर्तमान अर्जुन मुंडा जी जो केंद्रीय मंत्री है ट्रेवल के भारत सरकार में है, और भी बहुत जो वर्तमान विधायक भी है जेएमएम के, लेकिन जो विकास होना चाहिए आज भी नहीं है। इसी विषय में चर्चा परिचर्चा करते हैं कालीचरण मुंडा जी से कि क्या तमाड़ का विकास का रूपरेखा, क्या तमाड़ क्यों नहीं रांची टाटा जैसे विकास किया, इस विषय में बात करते हैं। क्या कारण है कि तमाड़ को जो उन्नति मिलना चाहिए वो आज भी नहीं मिला? देखिए, तमाड़ में थोड़ी बहुत काम तो हुआ है, किसी क्षेत्र में भी कांग्रेस के शासनकाल में वहाँ कांची नहर बना है आज नहीं बहुत दिन पहले, जिससे वहाँ के किसानों का खेत खलिहान में सिंचाई होती है। लेकिन आज के दिन में वो सब नहर सब का भी ढंग से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, और रोड हुआ ये सब भी थोड़ा बहुत तो हुआ है अलग राज होने के बाद, रोड वोड भी बना है, लेकिन जैसा विकास होना चाहिए था वैसा नहीं पाया है। सर, बात होती है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की वहाँ पर संसदीय क्षेत्र है और आप उनसे 1300 वोट से हारे, क्या वहाँ विकास हुआ जो 20 साल तक नहीं हुआ था? क्योंकि उनके हाथ में भी भारत सरकार के बहुत बड़े मंत्रालय है, केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय भी है, तो क्या तमाड़ या खूटी या जो क्षेत्र है क्या वहाँ पर कुछ काम हुआ? हमको तो नहीं लगता है एक भी काम उनके मंत्रालय से वहाँ हुआ है। हाँ, इतना जरूर कर रहे हैं, आदिवासी मंत्रालय है, आदिवासी लोगों को, कुछ सदान के लोगों को, अपने भाजपा के वर्करों को दिल्ली बम्बई घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन उनके मंत्रालय से और काम उम जैसा होना चाहिए था, उतना बड़ा विभाग है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, जैसा होना चाहिए था वैसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। क्या कारण है कि आपके वहाँ लोकल को नहीं जिताकर टाटा से वहाँ नेता जीत जाते हैं? देखिए, उनके भी एक विधानसभा क्षेत्र है खरसवां, खूटी लोकसभा में आता है, लोकल और बाहर की बात नहीं है, नहीं समझे, खरसवां विधानसभा पड़ता है। और भाजपा का एक किस्म का लहर था, अब वो लहर नहीं रहा, अब उस सब क्षेत्र में भाजपा को लोग वोट नहीं करेंगे। क्या क्या वहाँ का समस्या है जो अभी जिसमें काम करने की ज़रूरत है, अगर आप अगर जीत के आते हैं तो उस क्षेत्र में आपकी क्या प्रमुखता रहेगी, जो चीज जो तमाड़ जैसे बिहड़ इलाका को आप विकास कर सकें? हम लोग वहाँ पर वहाँ के आदिवासियों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए देखेंगे, स्कूल शिक्षकों की कमी है और वहाँ का लाख की खेती होती है, लाख का खेती नहीं हो पा रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है। वर्तमान आदिवासी मंत्रालय है, वहाँ के माननीय संसद विभाग के मंत्री हैं,
उस विभाग से बहुत सा चीज खरीदारी करने का है, कुसुम है, डोरी है, ला है, इमली है, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो रहा है। पैसा आया है जिला में, आगे साल भी आया था, कहीं कोई खरीदारी नहीं। सर, आपकी सरकार जो राज्य सरकार है, विधायक है, और आपके राज्य सरकार के साथ भी अच्छा संपर्क रहता है क्योंकि यूपीए की सरकार आपको, तो इस बार का बजट में तमाड़ के लिए स्पेशल बजट कुछ या कुछ प्लानिंग है कि तमाड़ को विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हेमंत सोरेन ने ट्रैवल है और ट्रैवल को विशेष ध्यान दे रहे हैं। हाँ, उसका ध्यान तो है, उस इलाका में कुछ करने के लिए है, जैसे रोड है, स्कूल है, इंटीरियर सब में जो स्कूल सब बंद हो गया था वो सबको नए सिरे से शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जो सबसे बड़ी बात है कि जो अधिवेशन में आप जा रहे हैं रायपुर में, कांग्रेस की वर्तमान में सरकार है और झारखंड के पूरे आप राजनीति को समझ रहे हैं और आदिवासी दृष्टिकोण से भी समझ रहे हैं, तो कांग्रेस को ऐसा क्या विचार है जो रायपुर में आप बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है? और कांग्रेस पार्टी कभी यहाँ पर मजबूत हुआ करती थी जब बिहार थी, तो क्या कारण है कि वो कमज़ोर होते जा रही है दिन पर दिन? उसी लाइन पर विचार विमर्श होगी, वहाँ उसी लाइन पर भी विचार विमर्श होगी। हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी कहा है, विधायक दल के नेता को भी कहा है, उन लोग बात रखेंगे। महाशय, आज का क्या क्या प्लान है काम का? कुछ खास नहीं, वही बच्चों के लिए कॉपी कलम लाना है और घर के लिए राशन भी लाना है। अच्छा जी, सब काम याद है? और बिजली का बिल जमा करने का भूल जा रहे हैं? अरे हाँ हाँ, आज बिजली का बिल भी जमा करना है। बकाया बिल के कारण कल गोलू के घर का कनेक्शन कट गया, उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। हाँ बाबा, आज बिजली बिल जरूर जमा कर दूंगा। हाँ, आज सब काम के साथ बिजली बिल भी जमा करना। अर्जुन मुंडा के साथ अब 1300 वोट से मतलब बहुत अच्छा कंपटीशन दिए, तो क्या कारण है कि जो अभी केंद्र सरकार जो योजना लाई है बजट में, क्या वो भारत देश जैसे के लिए बहुत अधिक फायदामंद है? विपक्ष के दृष्टिकोण से आप इसको कैसे समझते हैं? देखिए, चुनाव पहुंचा पहुंची है, ठगने का काम कर रही है केंद्र सरकार, इसे कुछ होने जाने को नहीं है। राम मंदिर बनाया गया है सर, बहुत बड़ा, और इसमें पूरा हिंदू को कनेक्ट किया जा रहा है, और 2024 उसी को लेकर एक तो बहुत बड़ा फोकस है बीजेपी का, तो क्या राम मंदिर में क्या बीजेपी हिंदू को अपना वोट कन्वर्ट कर सकेगी? क्या भाजपा ही के लोग हिंदू है और लोग नहीं है क्या? भाजपा के ही लोग हिंदू है और लोग हिंदू नहीं है क्या? उन्हीं का केवल राम है क्या? सब लोग समझ गए हैं, जान गए हैं, कितना दिन भगवान के नाम पर वोट बटोरने का काम करेंगे? लोगों का हित हक का काम करना चाहिए, होना चाहिए, वो सब ने करके राम के नाम पर वोट बटोरने का काम कितना दिन चलेगा? उन्हीं लोग केवल हिंदू है, उन्हीं लोग का केवल राम के प्रति श्रद्धा है, हम लोग नहीं हैं क्या? हम लोग भी तो पूजा अर्चना करते हैं। केंद्र सरकार की कौन सा योजना है जो अभी सबसे अधिक हम लोग को, झारखंड जैसे प्रदेश को बहुत अधिक जरूरत है? केंद्र का सारा योजना फेल है। कोई एक योजना बताइए जो फेल? कोई योजना ठीक नहीं है, सारा योजना फेल है। आप ही लोग ना घूमते हैं, प्रेस वाले लोग, बताइए कौन योजना ठीक ठाक है उसका? बजट तो बहुत अधिक चर्चा किया सब सदन में, चर्चा करने से क्या होगा, लेकिन बाजार में क्या है सो देख लीजिए। महंगाई और आपका जो विषय है एजुकेशन, हेल्थ, ये सब में केंद्र सरकार तो बहुत अधिक काम कर रही, फंड भी दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत दी है। महंगाई से तो लोग परेशान है, त्रस्त है। जो कड़ुआ तेल हम लोग को 60-70 रुपया में छोड़े थे क्या, वो कहाँ 150 पहुँच गया। जो पेट्रोल डीजल हम लोग 50-60 रुपया में छोड़े थे वो 100 ठेक गया। 70 साल में हम लोग राजपाट किए थे तो उतना हम लोग का दानवती 7-8 साल में ही उन लोग उसका डबल कर दिया। केंद्र सरकार बोल रही कि हम लोग इकोनॉमिक 5वां स्थान आ गया विश्व में, हम लोग तरक्की कर रहे हैं इसलिए तो 5वां स्थान आया है। उनके कहने से नहीं ना होगा, जमीन में जाकर देखिएगा, जानिएगा तब ना।
किसान लोग जो खाद लेते थे 120 रुपया 25 रुपया में यूरिया, 120-125 रुपया में यूरिया, आज 800-900 रुपया हो गया। सर अंतिम क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे खूंटी के लोगों को, तमाड़ के लोगों को? और सबसे बड़ी चीज है कि आप मुंडा समाज से हैं, जो झारखंड की जमीन स्तर के जो लोग हैं उनको आप प्रतिनिधि करते हैं, तो सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा यही संदेश है कि सब कांग्रेस को विश्वास करें, कांग्रेस के नीति सिद्धांतों को माने और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें और इस देश को, राज को पर को बचा लें। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।